हेलो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ऐमन ख़ान ने किस तरीके से बड़ी एज की जो एक्टर्स हैं उनको कैसे टारगेट किया है, और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है शादी के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐमन ख़ान और मिनाल ख़ान पाकिस्तानी बहुत ही खूबसूरत से एक्टर्स हैं, और छोटी सी एज में इन्होंने शादी कर ली है, और ये अपने कपल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन्होंने दुनिया से बड़ी तमाम तर जितने भी एक्टर्स हैं उनको कैसे टारगेट किया है शादी के हवाले से, और ख़ुद इन्होंने छोटी सी एज में जैसे कि शादी कर लिया, और इनकी शादी बहुत ही खूबसूरत तरीके से भी हुई थी। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो हम आपको बताते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एक इंटरव्यू में ऐमन ख़ान से जब सवाल किया गया कि आप छोटी एज में शादी के बारे में क्या सोचती हैं या आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए चलते हैं और सुनते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो आपने सुना कि जैसे कि ऐमन ख़ान ने कहा कि अगर एज ज़्यादा हो जाए तो शादी ही नहीं होती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है, तो छोटी एज में शादी हो जाना अच्छी बात है। आपका क्या ख्याल है ऐमन ख़ान की इस बारे में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन के ज़रिए से हमसे ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड ट्रेंडिंग एंड ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।